हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीकर्स रिवील। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्किन वाइटनिंग ब्लीच की रेमेडी जो कि 100% नेचुरल है और आपके स्किन को बेहद वाइटन और वेडन बनाने में हेल्प करेगी। ये रेमेडी इतनी सेफ है आपकी स्किन के लिए कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी आप इस ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन पे नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि रेमेडी क्या है, पर उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के आपको अपडेट मिल सके। इसके लिए सबसे पहले एक मीडियम साइज़ के टमाटर और एक मीडियम साइज़ के आलू का जूस निकाल लेंगे। टमाटोज का जूस निकालने के लिए सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। अब एक ब्लेंडिंग जार में इसे डाल देंगे। इसको पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल ना करें, इसे ऐसे ही पीसें। ये पिस चुका है, अब इसे एक छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसे पूरा का पूरा डाल लेंगे इस तरह से छन्नी पे, और एक चम्मच से इस तरह से चलाते हुए जब हम लोग इसे इस तरह से करेंगे तो जूस जो होगा वो नीचे आता जाएगा। तो अभी बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो पोटैटोज़ हैं इसको पील कर लेंगे, इस तरह से उनका छिलका उतार देंगे। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब चाहिए एक ब्लेंडिंग जार, उसमें ये सारे के सारे डाल देंगे और इसे पीस के एक स्मूथ पेस्ट फॉर्म कर लेंगे। जब ये इस तरह से बारीक पिस जाए तो इसे स्ट्रेन कर लें, एक छन्नी में डालकर इसका सारा जूस निकाल लें। इसको पीसने के लिए पानी का यूज़ ना करें, इसे ऐसे ही पीसें। तो ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक बाउल में लेंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर स्किन को नेचुरली ब्लीच करने में हेल्प करता है और ये स्किन को वाइटन और ब्राइटन बनाता है। अब इसमें ऐड करेंगे जो पोटैटो और टमाटो का जूस निकाला था वो 2 चम्मच। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है लेमन, तो आधा लेमन का जूस इसमें स्क्वीज कर देंगे। लास्ट में ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी नेचुरल ब्लीच बनके रेडी है। मैं आपको इसको यूज़ करने का मेथड बताती हूँ। इसको आपको अपने क्लीन फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए अपने फेस पे लगा रहने देना है और आधे घंटे के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। इसके एक ही बार के यूज़ से आपको अपनी स्किन पर मैजिक की तरह रिजल्ट मिलेंगे। इस ब्लीच को आप वीक में 1 से 2 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्राई दिस और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे किसी भी हेल्पी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। फिर लौटूंगी एक अमेजिंग रेमेडी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।